डियर स्टूडेंट्स, मैं दुलार चंदा स्वागत करता हूँ आप सभी का। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, चैप्टर 11 है, एक्सरसाइज 61 है। इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे और इसके बाद सिर्फ एक एक्सरसाइज 62 बच जाएगा इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है एड, तो इसमें लीटर का एड क्या हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, लीटर लिखा हुआ है तो इसको एड करना है। ऑलरेडी मैंने ज़्यादातर एड को पहले ही बना दिया है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि आप लोग एड सबको जानते ही होंगे, क्लास फाइव के बच्चे एड ना जाने ऐसा नहीं हो सकता, या फिर बहुत कमज़ोर बच्चे होंगे वही नहीं जानते होंगे। तो एड जो है ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, इसलिए मैंने बना दिया है। ये टू का आंसर है और ये थ्री का आंसर हो गया, ये फोर का आंसर हो गया और वन का मैंने खाली रखा है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। 9 6 15 हो गया, वन बच गया, 5 3 8 और 1 9 हो गया, और फिर 8 0 8 हो गया, 2 3 5 और 1 1 2 ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ये हो गया, फोर तक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव में भी एड दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फाइव में जो एड दिया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये थ्री लेयर में दिया हुआ है, इसको भी मैंने कम्प्लीट कर दिया है। एक्चुअली ये एड है तो फिर इसमें ज़्यादा समय, ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाना उचित नहीं है, आप लोग सब जानते ही हैं। और क्वेश्चन नंबर सेवन, इसमें भी एड है तो यहाँ पे ये कंप्लीट किया हुआ है। अब ये समझिए कि क्लास फाइव का मैथ में एड दिया हुआ है, अगर मैं क्लास फाइव का मैथ का सारा क्वेश्चन का वीडियो बना रहा हूँ तो एड दिया हुआ है तो उसको भी तो बनाना ही होगा, इसीलिए मैं इसको कंप्लीट कर दे रहा हूँ, अदरवाइज एड आप लोग जानते ही हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवन एट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, सब्ट्रैक्ट दिया हुआ है, इसमें घटाव करना है, तो यहाँ पर पॉइंट में दिया हुआ है, बच्चों को हो सकता है किसी बच्चे को दिक्कत हो, इसीलिए मैं इसको कंप्लीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 10 और 11 ये ऑलरेडी बनाया हुआ है, 9 का ये आंसर है, 10 का ये आंसर है और 11 का ये आंसर है। 8 का मैं खाली रखा हूँ, इसको बना देता हूँ। 5 यहाँ पे 6, ये माइनस नहीं होगा तो ये इसको कैरी लेना पड़ेगा, 15 हो गया, 15 में 6 9 9 6 15 होता है तो यहाँ 2 हो गया, तो फिर ये माइनस नहीं होगा, तो इसको यहाँ से फिर कैरी लिए तो 12 हो गया, 12 में 4 8 और यहाँ पर हो गया 7, तो 7 में से 3 4, फिर यहाँ पॉइंट इसके बराबर में और यहाँ पे 7 में से 2 5, ये हो गया कंप्लीट, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में ये माइनस है, ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है, ये लीटर में आ जाएगा, लीटर ये आंसर हो जाएगा इसका, ये भी लीटर में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी माइनस है, ये भी लीटर में आ जाएगा, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है तो हम लोग इसको पढ़ के देख लेते हैं। कानू बाउट 3.0 लीटर एंड 5.835 लीटर ऑयल, मतलब कानू जो है इतना लीटर और इतना लीटर ऑयल खरीदता है, हाउ मच ऑयल डिड ही बाय, तो फिर वो कितना लीटर खरीदता है, तेल कितना टोटल हो गया, तो इसको और इसको प्लस कर देंगे, तो प्लस तो काफ़ी ईजी है, तो 5 हो गया, 8 3 11 1 हो गया ये, और 1 बच जाएगा तो यहाँ पे 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 और यहाँ पे 5 3 8 हो जाएगा, तो ये लीटर, इतना इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में भी वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है तो हम लोग इसको पढ़ के पहले देख लेते हैं। रेनू बाउट इतना लीटर मिल्क ऑन मंडे, वो सोमवार के दिन इतना लीटर दूध खरीदती है और इतना लीटर मिल्क ऑन ट्यूजडे, और मंगलवार को इतना खरीदती है, हाउ मच मिल्क डिड सी बाय, तो फिर वो टोटल मिला के कितना खरीदती है, इसको प्लस करना है, तो ऑलरेडी यहाँ पे प्लस किया हुआ है, इसका आंसर ये हो जाएगा लीटर आंसर, ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसको हम लोग पढ़ के देखते हैं क्या बतला रहा है। टॉमी सॉल्ट, टॉमी कोई व्यक्ति है, वो बेचता है इतना लीटर पेट्रोल टू वन कस्टमर और इतना लीटर पेट्रोल टू द सेकेंड कस्टमर, दूसरे कस्टमर को, पहला कस्टमर को ये बेचा, दूसरे कस्टमर को ये बेचा इतना लीटर, और एंड इतना लीटर पेट्रोल टू द थर्ड कस्टमर, और तीसरे कस्टमर को ये बेचा, हाउ मच पेट्रोल डिड ही सेल टू दिस कस्टमर्स, तो इन तीनों कस्टमर्स को जितना भी तेल बेचा उसका टोटल कितना हो जाएगा, कितना टोटल तेल बेचा, इसका मतलब है कि तीनों को हम लोग को प्लस कर देना होगा, तो ऑलरेडी यहाँ पर प्लस किया हुआ है और ये इसका आंसर है, इतना लीटर वो तेल बेचा,
जितना ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे क्या बतला रहा है। मोहम्मद फील्ड 435 700 ml हो गया और इतना लीटर हो गया डीजल इन हिज ट्रक, अपने ट्रक में वह इतना लीटर डीजल भरवा लेता है। ही यूज्ड 383 इतना लीटर वह यूज कर लेता है उसको डीजल इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, वो ट्रांसपोर्टिंग को ट्रांसपोर्टिंग करने में वो इतना लीटर तेल खपत कर देता है, खर्च हो जाता है। हाउ मच डीजल इज स्टिल देयर इन हिज ट्रक, अब उसके ट्रक में कितना डीजल बचा हुआ है, तो इसको हमको करना है माइनस, तो इसको माइनस करने से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी क्या हुआ है, तो ये इसका आंसर है, उसके पास 51.865 लीटर ऑयल बचा हुआ है, पेट्रोल डीजल डीजल बचा हुआ है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ते हैं हम लोग, फिर पता करते हैं क्या है। 10 लीटर केरोसिन ऑयल इज टू बी ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर डबल आ रहा है यहाँ पे, इन टू कंटेनर्स, 10 लीटर केरोसिन तेल है और उसको दो कंटेनर में मतलब दो बर्तन में रखना है। वन ऑफ द कंटेनर्स कैन होल्ड 4.895 लीटर, और एक बर्तन में इतना आ रहा है 4 लीटर, उससे कुछ ज़्यादा आ रहा है। व्हाट शुड बी द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ द अदर कंटेनर, तो दूसरे कस्टमर की क्या कैपेसिटी हो रहेगा कि उसमें तेल पूरा आ जाएगा, तो फिर जो बचा हुआ कैपेसिटी रहेगा तो इसको माइनस करने से पता चल जाएगा, और यहाँ पे माइनस किया हुआ है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दूसरे कंटेनर का कैपेसिटी ये हो जाएगा 5.105 लीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 एक्चुअली मैंने छोड़ दिया है, इसको मैं आपके सामने बना के देता हूँ। यहाँ पे एन ओवरहेड वाटर टैंक कैन होल्ड 500 लीटर वाटर, एक ओवरहेड मतलब छत पे जो टैंक टंकी जो लगाया जाता है उसमें 500 लीटर पानी लेने की क्षमता है। इट हैज़ 345.385 लीटर, तो उसमें 345 से ज़्यादा लीटर पानी अब भर चुका है। हाउ मच मोर वाटर स्टिल कैन बी फिल्ड इन इट, तो अभी भी उसमें कितने पानी लेने की क्षमता है, तो इसको हम लोगों को 500 लीटर से इसको माइनस करना होगा। यहाँ पे माइनस करने के लिए मैंने इसको ऑलरेडी लिख दिया है, तो माइनस कर लेते हैं हम लोग। तो माइनस करने के लिए जो जीरो रहता है तो यहाँ से हम लोग कैरी लेते हैं, ये कैरी चलते चलते यहाँ पर आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 4 और यहाँ पे 9 9 9 9 और यहाँ लास्ट में 10, फिर 10 में 5 जाएगा तो 5 बच गया, 9 में 8 1 हो गया, 9 में 3 6 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 9 में 5 चला गया तो 4 और 9 में 4 चला गया तो 5 और यहाँ पे 4 में 3 1, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इतना लीटर हो जाएगा, इतना लीटर, और ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे एक्सरसाइज 61 पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो से थोड़ा भी मदद मिल रहा है, आप हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगले एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।